वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए है उपकेंद्रण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है अपकेंद्रण, ऑप्शन डी है अपोहन। इसका आंसर जो होगा वो होगा अपकेंद्रण, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, अपकेंद्रण सही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही है, मतलब कि जो लिफ्ट है, जो मतलब जो व्यक्ति है वो एक लिफ्ट में बैठा हुआ है, वो लिफ्ट में बैठा हुआ लिफ्ट जो है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ गमन कर रही है, मतलब चल रही है, उसमें जो है उस आदमी को अपना वेट जो है कम महसूस हो रहा है, इसका कारण क्या होगा, ये किस कारण से कम महसूस हो रहा है। ऑप्शन ए है वो त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी है समान गति से नीचे, ऑप्शन सी है समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी है त्वरण के साथ नीचे। इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका आंसर जो होगा वो है त्वरण के साथ नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी सही होगा, जो है त्वरण के साथ नीचे। ओके दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पे आधारित है। देखिए दोस्तों इसमें जो है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसमें क्या होता आपका विकल्प है पास्कल का सिद्धांत, विकल्प बी है आर्केमिडीज का सिद्धांत, विकल्प सी है जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका आंसर होगा विकल्प मतलब कि बी यानी कि आर्केमिडीज का सिद्धांत। ओके दोस्तों देख लेते हैं, देखिए आर्केमिडीज और का सिद्धांत मतलब कि आर्केमिडीज का सिद्धांत सही होगा। चलिए स्टार्ट, कह रहा है कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जबकि बर्फ पिघलती है तब पानी का स्तर पर प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब विकल्प देख लीजिए बढ़ेगा या कम होगा, विकल्प बी होगा बढ़ेगा, मतलब पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, विकल्प सी होगा उतना रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो उतना ही रहेगा। देखिए फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होगा, मतलब है वो विकल्प है अधिक लंबा वहीं रहेगा या सी गोलाकार, डी मतलब सबसे छोटा रहेगा। इसका जो आंसर होगा वो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा वही रहेगा, मतलब कि जब उसमें भार कोई नहीं रहेगा और सब कुछ मतलब निर्वात हो जाएगा तो वो जहां रहेगा वहीं पे रहेगा। उनके दोस्तों विकल्प नंबर बी सही होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई यूनिट मीटर नहीं है, मतलब कि यह मात्रक किस चीज़ का नहीं है। आपके विकल्प हैं नंबर ए बल, नंबर बी होगा ऊर्जा, नंबर सी होगा कार्य, नंबर डी होगा गतिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में चलिए देखते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा बल, यानी कि बल का जो है न्यूटन प्रति मीटर मतलब न्यूटन मीटर नहीं होगा।